वेलकम बैक टू माय चैनल बालाजी फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रेट पैंट होती है, एक तरीके से प्लाजो भी बोल सकते हैं उसको आप, और पैंट भी बोल सकते हैं, 10 इंच की मोहरी वाली, उस हिसाब से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगा। सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। नाप इसमें आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा। इसमें जो है आपको एक तो चीज़ लेंथ की पता होना चाहिए। लेंथ इसकी जो है 37 इंच है और इसकी हिप है 42 इंच, 37 लंबाई है और 42 हिप है। तो इसको आप, ये दोनों नाप आपको पता होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है। ये जो खुली हुई साइड है, किनारी वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर रखी है, और ये मैंने डबल फोर डिस्को है, मतलब के दोनों पल्ले एक साथ बिछाए हुए हैं, यानी कि दोनों पार्ट में इसमें ही आपको काट के बताऊंगा। ये मैंने बैक वाला पल्ला जो है ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों रख रखा है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले आप क्या करना है, इसे बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींचने के बाद आपको 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद हमें लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। लंबाई जो है वो 37 इंच है, तो 37 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों को हम सीधा, इतना करने के बाद हिप लाइन जो है वो 42 है, तो 42 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच। तो एक निशान हम लगाएंगे 10.5 इंच पर, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग। टाइप की पैंट काटने के लिए आपको हर एक में ये पैटर्न अपनाना है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये आप पैंट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाजो में भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट पैंट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में पैंट दूसरी तरीके से कटिंग बताई थी, इसमें मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी तरीका है। क्या किया हमने, 10.5 इंच इसका चौथा हिस्सा ले लिया हिप का, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद यहाँ से हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे आसन का और इस निशान को इस निशान से सीधा कर देंगे। ठीक है, निशान सीधा करने के बाद आपको यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर थाई आती है, इसलिए इसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको देख लेना है आपका कितना आ रहा है, 15 इंच आ रहा है। इसमें आपको इसका बीच का हिस्सा लेना है 7.5 इंच, यहाँ पर आ रहा है 7.5 इंच। इसी तरीके से 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है बिल्कुल बीच में, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। पहले तो मैं इसको निशान को सीधा कर देता हूँ पीछे तक। ठीक, ये हमने बिल्कुल सीधा कर दिया। अब मोहरी पर आते हैं। मोहरी इसकी 10 इंच है, तो 5 इंच बिल्कुल बीच में रखना, इंची डेढ़ 5 इंच है, बट आप लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि 0.5 इंच मार्जिन उधर, 0.5 इंच मार्जिन इधर, तो 5.5 इंच इधर और 5.5 इधर लेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। ये आपको हर एक में करना है। हिप में 2 इंच की लूजिंग दे करके 12 इंच पर आसन रखने के बाद 2 इंच की फिर लूजिंग देंगे। इसको इसका मिडल पॉइंट देख लेंगे हम, 15 इंच पर 7.5 इंच आया, 7.5 यहाँ रखना है, 7.5 यहाँ पर रखना है। 7.5 रखने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। मोहरी हमारी 10 इंच है, तो हम 11 इंच रखेंगे, 0.5 इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा। अब हमें फुटे की ज़रूरत होगी, शेप पट्टी बोलते हैं इसे। जो गहरा वाला हिस्सा है आपको इस तरीके से रखना है, मतलब मैं जिधर से काट रहा हूँ उसकी अपोजिट साइड, ये गहरा वाला हिस्सा बाहर की तरफ। अब इसको पलट देंगे, इधर भी गहरा हिस्सा वाला बाहर की तरफ।
ठीक। इसके बाद जो है आपको एक काम और करना है, ये जो बैक आसन है, ये जो मैंने फालतू काटा हुआ था, वो सॉरी फालतू रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें जो है यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक वाला आसन हमेशा फालतू रखना है आपको, अगर आप इस तरीके से पैंट काट रहे हैं तो। और इसको सीधा कर देंगे, इसमें हम हल्का हल्का कप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट का पल्ला काट लिया है, अब मैं इसका बैक का भी इसमें ही काट देता हूँ। ये हमारा बैक का कट दिया, अब मैं एक साथ काट लूँगा दोनों के दोनों पल्लों को। तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से प्लाजो पैंट, स्ट्रेट पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपकी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।